नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की आज की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन है कि कोरोना पुनः रफ्तार पकड़ रहा है, तो आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। नगर निगम का बुलडोजर आज गुरुवार को भी बुध बाजार में जमकर गरजा। हालांकि नगर निगम के सख्त तेवर और बुलडोजर के खौफ से बुध बाजार के दुकानदारों द्वारा अपने अपने अवैध अतिक्रमण को स्वयं तोड़ने की कवायद लगातार जारी है। उधर आज भी सहायक अपर नगर आयुक्त दीपशिका पांडे ने अपनी पूरी टीम के साथ बुध बाजार क्षेत्र में पहुंचकर निगम की टीम द्वारा की जा रही कार्रवाई का जायजा लिया। फायदा तो मिल ही रहा है, आप भी देख रहे हैं, बहुत ही पीसफुली लोग अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं जो भी है, और लोग बड़े ही आसानी से बातों को अपमान जा रहे हैं, और जहां भी अतिक्रमण है उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना जल्दी से जल्दी अतिक्रमण हट जाए हमारी कोशिश रहेगी, तो विद इन वन वीक हम लोग लेकर चल रहे हैं। अभी समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार अभियान चलता रहेगा। जैसे जैसे हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ाएंगे या हमारी जो भी कार्रवाई की जाएगी, और जहां भी अतिक्रमण रहेगा वो हटाया जाएगा। थाना मैनाठेर पुलिस ने मादक पदार्थों के दो तस्करों मुन्नू उर्फ मोनू और शकील कुरैशी को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से आधा किलो चरस बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई जाती है। दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है। कपूर कंपनी पुल जनवरी माह के अंत तक पैदल लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। नए पुल के लिए जगह चिन्हित की जा रही है। पुल के दोनों ओर बाजार है, इसलिए जमीन तलाशी जा रही है। जल्द ही नए पुल का डिजाइन तैयार कराने के निर्देश दिए। नया पुल बनने तक पुराना पुल पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए चालू रहेगा। ये बात उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने कही है। यहां पहुंचने पर जीएम ने सबसे पहले कपूर कंपनी पुल का निरीक्षण किया, पुल की मरम्मत कर रही टीम से बातचीत की और उनसे जल्द से जल्द मरम्मत पूरी करने को कहा। थाना सिविलाइंस में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बीमा कंपनी को लाखों रुपए का चूना लगाने के प्रयास करने वाले सहारनपुर निवासी दो अधिवक्ताओं सहित तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश रचने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच SIT टीम उप निरीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा कराई गई है। मुरादाबाद मंडल से रोजाना 150 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती हैं। इनमें से काफी ट्रेनों में मासिक सीजन टिकट मान्य थे। मुरादाबाद से सबसे ज्यादा MST दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, बरेली, रामपुर, अमरोहा, शाहजहांपुर, बिजनौर, नजीमाबाद के बनते थे। इसका लाभ लेने वाले हजारों यात्रियों ने रेलवे के इस पत्र के बाद राहत की सांस ली है। कोरोना के बाद अब तक रेलवे ने सिर्फ पैसेंजर ट्रेनों में ही MST मान्य की है। सीनियर DCM सुधीर सिंह ने बताया कि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जल्द ही मुख्यालय को भेज दी जाएगी। बृहस्पतिवार को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुरादाबाद द्वारा थाना भगतपुर की चौकी नेफा का औचक निरीक्षण किया गया, तथा चौकी कार्यालय मैस बैरक व चौकी परिसर का निरीक्षण कर साफ सफाई आदि के संबंध में संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुरादाबाद में सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का 12 करोड़ से अधिक बकाया है। कई विभागों से बकाया मिलने पर हो रही देरी से बिजली विभाग का रेवेन्यू लक्ष्य पिछड़ गया है। बकाया जल्द मिल जाए इसको लेकर विभाग सभी बड़े विभागों को रिमाइंडर दे रहा है, जिससे विभाग मुख्यालय से जल्द बजट की डिमांड कर भुगतान करवा दे। बड़े विभागों में पुलिस व PSC और स्वास्थ्य विभाग सबसे ऊपर है। भोजपुर पुलिस उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह सहयोगी सिपाहियों के साथ नहर के किनारे ग्राम पीपलसाना के पास गश्त पर थे। गश्त के दौरान एक व्यक्ति पर शक होने पर तलाशी के दौरान अवैध चाकू मिला, पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर थाने ले आई। अभियुक्त की पहचान नाजिम पुत्र महबूब आलम उम्र 35 वर्ष निवासी मोहल्ला नई बस्ती गुलाबबाड़ी कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद के रूप में हुई। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में रात डिलारी से ठाकुर द्वारा आ रहे जितेंद्र उर्फ जीतू उम्र 30 वर्ष की बाइक ढकिया कमालपुरी रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। इससे टंकी फट गई और बाइक में आग लग गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से झुलस गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्य डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक वीर सिंह ने बताया कि भारत व प्रदेश सरकार की लाभकारी योजना के अंतर्गत सुरक्षा का वादा योजना में मात्र 399 रुपए में बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। दुर्घटना में अगर बीमा करा चुके व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाता है तो उसे बीमे के रूप में 11 लाख रुपए डाक विभाग की ओर से दिए जाएंगे।